22वां अध्याय। आप देखें, अब सब कुछ नया हो गया है और कुछ भी पुराना नहीं रहा। और लिखा है, उसने मुझे एक नदी दिखाई, जीवन के जल की एक नदी, बिल्लौर की सी झलकती हुई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। यहाँ एक अद्भुत वृक्ष है। हमारे यहाँ जो उत्पत्ति के समय के वृक्ष हैं, हम उनके साथ छेड़खानी करते और उनसे विभिन्न प्रकार की नस्लें बना लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इसराइल में एक टमाटर का पौधा लगाया जिसको समुद्र के पानी से सींचा जा सकता है। टमाटर खारे नहीं होते। अब वे टमाटर के पौधे को भूमध्य सागर के पानी से सींच रहे हैं और इस प्रकार के बहुत से उत्पत्ति संबंधी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक और नई खोज की है और वो बगैर बीज का अंगूर। हम लगातार पेड़ पौधों के तंत्र में गड़बड़ करते जा रहे हैं। जब मैं बच्चा था तो बगीचे में जाया करता था जहाँ एक पेड़ था जिसमें नावेल तथा वेलनेशिया दोनों प्रकार के संतरे लगते थे और हम एक मौसम में नावेल संतरा तथा दूसरे में वेलनेशिया संतरे खाते थे और उसी बीच अंगूर व नींबू खा सकते थे। आप कुछ ऐसे पेड़ भी खरीद सकते हैं जिसमें नाशपाती और अमरूद दोनों साथ साथ लगते हैं। अद्भुत है ना बात। परमेश्वर के वहाँ ऐसे पेड़ होंगे जिसमें 12 प्रकार के फल लगेंगे और हर महीने उस पर फल लगेंगे। वह एक स्वच्छ वृक्ष होगा। मुझे तो ऐसा फल अनोखा लगेगा। मैं देखूंगा यदि मेरे आंगन में ऐसा वृक्ष लग सके या नहीं। दूसरी आयत, उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे, आयुर्वेदिक औषधियाँ और फिर शाप न होगा। आपको याद होगा, पृथ्वी पाप के कारण शापित थी। भूमि शापित होगी तथा झाई और उटकारे उगाएगी। मनुष्य शापित होगा और उसे अपने पसीने की रोटी खानी होगी। लेकिन यहाँ लिखा है, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे। यीशु ने मत्ती 5:8 में कहा, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आगे लिखा है, तभी तो उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। ये क्यों कहा? क्योंकि विश्वास करना कठिन है ना, इसलिए तो कहा ये बातें विश्वास योग्य और सच्ची है। ये बातें इतनी अच्छी है कि असंभव लगती है, इसलिए प्रभु बताता है कि ये विश्वास करने योग्य बातें हैं। 6 आयत, और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। अब प्रभु यूहन्ना से बातें करता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता व देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। कुछ देर पहले भी उसने ऐसा ही किया था और स्वर्गदूत ने उससे कहा था ऐसा मत कर, परंतु यूहन्ना फिर भावुक हो गया और उसके पैरों पर गिरकर दंडवत करता है। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दासी हूँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर। यहाँ यूहन्ना ने फिर वही गलती की जो मनुष्य करता है, कि वह कई बार परमेश्वर के साधनों की उपासना करता है। ऐसा मत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इन भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। आपको याद है जब परमेश्वर ने दानियल से बातें की तो कहा, इन बातों को मुहर बंद कर और मत लिख, क्योंकि वे अंत समय के लिए हैं। अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा तो उन्हें मुहर बंद कर दे। एक समय आएगा कि उन्हें समझ जाएगा कि वे तेरे लिए नहीं है। यूहन्ना से उसने कहा, समय निकट है। बहुत से लोग प्रकाशित वाक्यों को ऐसे देखते हैं जैसे ये मुहर बंद है, और मानो वे कहते हैं, अरे ये तो मुहर बंद पुस्तक है, आपको उसमें जाना नहीं चाहिए, इसे कोई समझ नहीं सकता। ये इसलिए है कि वे प्रयत्न नहीं करते या उन्होंने अर्थों का आत्मीकरण कर दिया है। यदि आप केवल पढ़ें और जैसी वह है उसे स्वीकारें और न उसमें कुछ जोड़े और न घटाएं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये तो तब होता है जब आप उसकी हर बात का आत्मीकरण करें। जब आप उसके विचित्र अर्थ निकालने लगते हैं, तब समझने के लिए कठिन पुस्तक बन जाएगी। इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को मुहर बंद न कर, क्योंकि समय निकट है। 11वीं आयत, जो अन्याय करता है अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे,
और जो धर्मी है धर्मी बना रहे और जो पवित्र है पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब परमेश्वर के संतान होने के नाते मुझे मेरे पापों के अनुसार दंड नहीं मिलेगा क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे ढांप दिया। परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन मेरे लिए है। मैं उसे कमा नहीं सकता और नहीं उसके योग्य हूँ। यह परमेश्वर का वरदान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये आपसे नहीं परंतु परमेश्वर का वरदान है। कर्मों से नहीं कि कोई घमंड करे, परंतु परमेश्वर मुझे मेरे कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अब लोग बहुत से काम करते हैं जिनका कोई प्रतिफल न होगा। यदि आपका कार्य बड़े प्रदर्शन के लिए है कि लोगों में आप जाने जाएं और वे कहें अरे भाई ये तो बड़ा पवित्र है, तो इसका कोई प्रतिफल नहीं है। आप वे काम इसलिए करते हैं कि आप दूसरों के बीच जाने जाएं। इसलिए आप सही समय पर आंखें बंद करना व हाथ जोड़ना जानते हैं और आप इस प्रकार की बातें करना सीखते हैं जिससे कि धार्मिकता और आत्मिकता आपके अंदर झलके, ताकि आपसे बात करने पर लोग जाने कि आप परमेश्वर की निकटता में चलते हैं। ऐसे काम तो बेकार हैं और उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं। यीशु ने कहा, सावधान, अपनी धार्मिकता के काम लोगों को दिखाने के लिए मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हमें उन कार्यों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा जिनके पीछे हमारा उद्देश्य सही था। यीशु ने कहा, यदि हम अपने काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो हम अपना प्रतिफल पा चुके। सावधान रहें, सचमुच खतरा है, बहुत खतरा। तो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, प्रतिफल मेरे पास है और हर व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। सावधान रहें, सचमुच खतरा है, चतुर खतरा। आपको याद है कि वह जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने उन्हें लाकर कहा, प्रभु तूने 5 दिए थे, मैंने उनके 10 बना लिए, शाबाश, मैं तुझे 10 नगरों का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। प्रभु तूने मुझे 4 तोड़े दिए, उनका प्रयोग कर मैंने 8 बना लिए, शाबाश, मैं तुझे 8 नगरों का अधिकारी बनाऊंगा। हे प्रभु, मैं जानता था तू कठोर है, तू जहां बिखेरता नहीं वहां से जमा करता है। मैं जानता था जो धन तूने बांटा उसका लेखा लेगा, तो मैंने वह तोड़ा लेकर दबा दिया और ये तेरा है प्रभु। मैंने गड्ढा खोद कर कपड़े में लपेट कर उसको रख दिया ताकि यह सुरक्षित रहे, ले इसे वापस ले ले। यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, प्रतिफल मेरे पास है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम व अंतिम। आप पिता परमेश्वर ने ये बातें पहले अध्याय में कही। यहाँ यीशु यूहन्ना से बातें कर रहा है और वही बात कह रहा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यीशु ने कहा, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। 15वीं आयत यहाँ पर लिखा है, पर कुत्ते और टोनहे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। ये कलीसियाओं के लिए है, परमेश्वर ने उसे कलीसियाओं के लिए भेजा। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ। परमेश्वर का निमंत्रण कि आप आए और उसके अनंत राज्य की महिमा में भागी हूँ, और सुनने वाले भी कहें कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंत ले। वह खुला है, उपलब्ध है, आप आकर उसमें से लें। 18वीं आयत में लिखा है, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। मैं नहीं सोचता कि ऐसी चेतावनी पाकर कोई व्यक्ति प्रकाशित वाक्य के साथ ऐसी गड़बड़ी कर सकता है या उसमें से कुछ घटाए या बढ़ाए। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस पुस्तक को शाब्दिक रूप से लेता हूँ। चाहे सब कुछ मेरी समझ में आए या न आए, मैं इसको शाब्दिक रूप में लेता हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ जोड़ने या घटाने का दोषी न ठहरूं। मैं अपनी शाब्दिक व्याख्या में गलत होने को तैयार हूँ, न कि गलत व्याख्या करके पुस्तक में आत्मिकता को जोड़ूं या उसमें से कम करूं। दूसरे शब्दों में, इस पुस्तक से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, केवल विश्वास करना है तथा व्यवहार में लाना है। धन्य हैं वे जो इसको पढ़ते सुनते और इस भविष्यवाणी पर चलते हैं और अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं।
ये इसलिए है कि मैं इसे पढ़ूं, सुनूं व व्यवहार में लाऊं, न कि उस पर कोई तर्क या झगड़ा करूं। 20वीं आयत, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमेन, हे प्रभु यीशु आ। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु ने कहा था, देखो मैं शीघ्र आता हूँ। पत्रस ने कहा, अंतिम दिनों में ठट्टा करने वाले उठेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही? जब से हमारे पिता सोए हैं, सब कुछ ऐसा ही चलता आया है जैसा आदि में था। देखो, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। वो प्रतिज्ञा कहाँ है? ये तो सब ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा, इतिहास में कुछ रुकावट होने वाला नहीं, ऐसे लोग कहेंगे। परंतु पत्रस ने कहा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं करता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हम कहते हैं कि लगभग 2000 वर्ष हो गए, प्रभु कहता है ये तो बस 2 दिन हुए हैं। हाँ, वह शीघ्र आने वाला है। वह हमारे लिए कितना शीघ्र आ रहा है हम नहीं जानते। मेरा विश्वास है कि मसीह के आगमन का समय अति निकट है। होशे में एक चिन्ह है कि 2 दिन के लिए इसराइल मरेगा, परंतु तीसरे दिन परमेश्वर उसमें प्राण डालेगा और वे उसके सामने होंगे। फिर 1000 वर्ष एक दिन और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। 2000 वर्षों तक इसराइल मृतक समान था, परंतु अब उनमें जान पड़ गई है। होशे की भविष्यवाणी पूरी हुई है। तो मेरा विश्वास है कि प्रभु का दिन निकट है, और यूहन्ना के साथ मैं भी कहूंगा, आमीन प्रभु यीशु आ। ओह, मेरा दिल प्रभु के आगमन के लिए कितना व्याकुल है कि वह अपने राज्य की स्थापना करे। मेरी उस नए संसार को यीशु के साथ नए युग को देखने की बहुत अधिक लालसा है, जब वो राजा वो प्रभु के रूप में राज्य करेगा। 21वीं आयत, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। ये अति सुंदर वचन है। पुस्तक का अंत करने का कितना महिमामय तरीका। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर हो व सबके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि उस अनुग्रह के द्वारा ही हम ज्योति में संतों के साथ महिमापूर्ण मीरास में शामिल होंगे। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें अंधियारे के अधिकार से बचाया, हमारे हृदय से विद्रोह को दूर किया और हमें प्रेम का हृदय दिया है। तूने हमें समर्पण का हृदय, विश्वास का हृदय दिया है। प्रभु, हम तेरी सेवा करना चाहते हैं क्योंकि हम तुझसे प्रेम रखते हैं। उस आशा के लिए जो तूने हमें दी है, उस नए संसार की, नए युग की, जहां धार्मिकता का राज्य होगा और यीशु राज्य करेगा, जहां सूर्य की दौड़ पूरी हो चुकेगी। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु शीघ्र आ, आमीन। उसके वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो। वो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। वो हमारे जीवनों के लिए पाप से दूर रखने की शक्ति है। उसका वचन जीवनदायी है। हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चले। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दे और वो आपके हृदय तैयार करे।